ब्राह्मण भी हमारा भाई है, ठाकुर भी हमारा भाई है। जो मानवता का संदेश मानवर डॉक्टर भी राम अम्बेडकर ने दिया है, संविधान को दिया है, संविधान को तहत अगर चलेगा तो मेरा भाई है, नहीं तो हमारा दुश्मन है, खूनी संघर्ष होना तय है। मंदिर और मस्जिद से रोजी रोटी साल्प नहीं हो सकता, केवल चंद लोगों का जो है व्यवस्था जो है भला हो सकता है। को तो मायावती में मिला है जी, मतलब जो ब्राह्मण के सम्मान में राम मंदिर बनाने से थोड़ी जो है गरीब जनता का पेट भर। इस प्रजातंत्र में जो इस सरकार है ये जो है कि केवल पूंजीपतियों का है, गरीबों का नहीं। राम आश्रय मिश्रा, राम आश्रय मिश्रा जी, राम आश्रय मिश्रा जी, जो ये यहाँ पर मिर्जापुर मंडल में हम खड़े हैं, बहन जी ने इस जिले में सर्व समाज को सम्मान देने का काम किया है, बहुत काम किया है, अच्छा हुआ था। बल्कि इस प्रजातंत्र में जो इस सरकार है ये जो है कि केवल पूंजीपतियों का है, गरीबों का नहीं। लेकिन योगी जी कहते हैं कि वो ब्राह्मण समाज को और जो है राम मंदिर बना करके और सारे समाज को लेकर के वो काम कर रहे हैं। राम मंदिर बनाने से थोड़ी जो है गरीब जनता का पेट भरे। वो ये कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, राम को वो भगवान है, दशरथ लाए थे। वो ये कह रहे हैं योगी जी कि जो हमने गुंडों को बुलडोजर चलवा दिया उनके घरों को, उनको उनको जेल में डाल रखा। जैसे कि इसके पहले का मायावती नहीं की थी, मायावती भी तो शासन काल था। आज पुलिस प्रशासन चाहे जो भी हो, तहसील हो, कचहरी हो, समय से उनके समय से लोग आते थे। आज तो जो है मनमाना चल रहे हैं, न कोई खुल रहा है, न कुछ हो रहा है। तो आपको क्या है? आपको ये नहीं लगता कि ब्राह्मणों को सम्मान मिला है इसमें, ब्राह्मण बनियों को सम्मान मिला इसमें भारतीय जनता पार्टी? हम लोगों को तो मायावती में मिला है जी, मतलब जो ब्राह्मण के सम्मान में जो बिक्रू कांड हुआ उसमें सुना है ब्राह्मण समाज बहुत नाराज है, उससे क्या संदेश जा रहा है बिक्रू कांड? वैसे वो आपकी बात सही है, ब्राह्मण जो है खपा है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी कितनी सीट जीतेगी? अब ये तो हमारे यहाँ का जो है कि पांच में से तीन का तो, तीन चार का तो पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से जीतेगी। अब आगे का तो आप लोग बताएंगे जी, आगे के बारे में तो आप लोग बताएंगे, लेकिन यहाँ का हम लोगों को पूर्ण अंदाज है कि तीन चार सीट जीतेगी। अखिलेश का और जो जयंत चौधरी का गठबंधन है उसका कितना असर है आपके इधर मिर्जापुर मंडल की तरफ? कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है। नहीं, तो जो बहुजन समाज पार्टी को सर्व समाज का किस तरह से मुसलमानों का वोट भी मिल रहा है, सर्व समाज का वोट मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। तो आपको पूरी उम्मीद है कि सत्ता में बहन जी आने वाली है? हम लोगों का तो पूर्ण उम्मीद है कि आने वाली है। जी बताइए आपका क्या नाम है? हमारा नाम मुमताज शाह है, ग्राम रतेह चौराहा, जिला मिर्जापुर। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी रवैया अगर नहीं बदले तो अल्पसंख्यक और दलित रोड पर आएगा और इनके पूरे औकात का इंची टेप से नापेगा। इस समाज में बहुजन समाज पार्टी का इस बार सरकार बनने जा रही है और हम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। मंदिर और मस्जिद से रोजी रोटी साल्प नहीं हो सकता, केवल चंद लोगों का जो है व्यवस्था जो है भला हो सकता है। और जोगी जोगी तो रणुआ है, न लड़की है न लड़का है, उत्तराखंड का रहने वाला है, गोरखपुर में आकर अपना जो है जमा कर पेट पर्दा चला रहा है। उसकी बहन दूसरे के हाथ में है और फिर उन्हीं के पास चली गई, जिसको के मतलब कभी इसको उसको लिए है चुनाव ला रहा है, जो अपने समाज को अपनी इज्जत को नहीं बचा पा रहा है वो देश को क्या बचाएगा? आप एक बाबा के बारे में ऐसा कह रहे हैं जो सन्यासी है? सन्यासी है वो, सन्यासी है तो हमारे में भी योगी महायोगी मौलाना महावलाना और जो है कि चार शंकराचार्य इस देश में हर समुदाय के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं। अब इसकी चलने वाली नहीं है, गरीब और मुसलमान
इस देश को मनोवादी व्यवस्था को खत्म करना चाहिए। योगी जी ये कह रहे हैं कि 10 तारीख के बाद सब ऐसे लोग छोड़ के भाग जाएंगे। अरे अपने उस पहले सांड को संहार ले, सांड हम लोग भूखे मर रहे हैं, उनके सांड हमारे खेती को चर रहे हैं, विनष्ट कर रहे हैं, हम उसकी मांस खाएंगे योगी का, अनाज पैदा नहीं होगा, हम लोग भूखे मरेंगे, सड़क पर उतरेंगे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरी संघर्ष करेंगे। अच्छा एक खबर बहुत चलती है कि योगी जी थाईलैंड बहुत जाते हैं, इसके बारे में। योगी अगर सही होते, सच्चे अपने बाप के औलाद होते तो इस मठ में नहीं आते, और इस मठ का जो सिद्धांत है आपको समझना चाहिए, मानववादी ये संगठन, ये मठ इनका बाबा गोरखनाथ का नहीं है। एक बेचारा चाय वाला बेचने वाला तो देश को चला रहा, कुछ तो है नहीं उनके पास। देश को चाय बेचने वाला उसके माँ बाप का पता नहीं है, तभी कहता है कि हम अनुसूचित समाज के लोग हैं धायकार, तभी कहता है हम बैकवर्ड के तेली समाज के हैं, इसके तो बाप माँ का पता नहीं है, ये भारत को गुलाम करना चाहता है। नरेंद्र मोदी अंग्रेज जैसा गुलाम हो जाएगा हमारा देश। देख लो जो मोदी जी के खिलाफ बोलता है उसे वो कहते हैं कि देशद्रोही है। देशद्रोही हो क्या कहेगा, हम मुस्लिम समाज से हैं, पूरे विश्व में 128 देश में हमारी हुकूमत चलती है, और इस देश में 1160 वर्ष हमने हुकूमत करके दिखाया है, और दलित भाई हमारे साथ रहे उस समय भी हम उनको सम्मान दिया है। अब तो आपके साथ दलित भी खड़े हैं, ब्राह्मण भी खड़े हैं, सभी लोग खड़े हैं। ब्राह्मण भी हमारा भाई है, ठाकुर भी हमारा भाई है, जो मानवता का संदेश मानवर डॉक्टर बी राम अम्बेडकर ने दिया है, संविधान को दिया है, संविधान को तहत अगर चलेगा तो मेरा भाई है, नहीं तो हमारा दुश्मन है, खूनी संघर्ष होना तय है। ऐसी फिर कौन सी पार्टी है जो संविधान पर चलती है, उसका काम संविधान पर चलती है, जो इस देश का मूल निवासी है, इस देश का मूल निवासी कोल चमार धिकार खटीक पासी मुसहर नई लोहार, इस देश का मूल निवासी है, और आज मूल निवासियों का अपमान नरेंद्र मोदी द्वारा हो रहा है। तो आप ये बताइए कि ब्राह्मण समाज कितनी तादाद में वोट कर रहा है इधर? लगभग 30-40% तो जरूर हमारे यहाँ करेगा जी। यहाँ पे बताया है इन्होंने कि 30-40% ब्राह्मण समाज कर रहा है, यहाँ पे ब्राह्मण समाज भी है, मुस्लिम समाज भी है, दलित समाज भी है, और सारे समाजों के लोग यहाँ बहन जी की रैली में आए हुए हैं, और सभी को आशा है, पूर्ण विश्वास है कि 2022 में संविधान के दायरे में रह के संविधान पे काम करने के लिए और रोजगार के लिए जो युवा त्रस्त है वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2022 में बनेगी, ऐसा उन लोगों का कहना है, सभी लोगों का कहना है। धन्यवाद।